चंपावत में नशा तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन में बड़ी कार्यवाही की गई और 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन क्रैकडाउन उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए चलाया जा रहा है। चंपावत में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत लोहाघाट थाने के SO सुरेन सिंह कोरंग के नेतृत्व में देवाराड़ी बैंड लोहाघाट के पास से 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्तों ने चरस को देवीधुरा के क्षेत्र से खरीदना व पीलीभीत क्षेत्र में चरस को महंगे दामों पर बेचने की बात कबूली। इन नशा तस्करों के पास से बरामद चरस की कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। गिरफ्तार किए गए तस्करों के नाम अनुज कुमार, सिराज अहमद, राजवीर सिंह, भारत सिंह बताए गए हैं। तस्करों के पास से 3 किलो 735 ग्राम चरस बरामद की गई है। हमारी SOG की टीम और लोहाघाट पुलिस की टीम के द्वारा संयुक्त चेकिंग के दौरान देवराड़ी बैंड लोहाघाट के पास 4 व्यक्तियों के पास से कुल 3 किलो 735 ग्राम अवैध चरस की बरामदगी की गई। इसमें जो 4 अभियुक्त गण है, इनका नाम है अनुज कुमार, सिराज अहमद, भरत सिंह और राजवीर सिंह। ये 4 के 4 पीलीभीत से बिलोंग करते हैं यूपी में और लगभग सभी से 1 किलो के आसपास जो है चरस बरामद हुई है। टोटल क्वांटिटी जो है वो 3 किलो 735 ग्राम लगभग 4.5 से 5 लाख इसकी बाजार में कीमत है, ये बरामद हुई है और ये 4 लोग इसको यूपी की तरफ लेके जा रहे थे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।